कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। तुम क्या समझ रही थी? मुझे पता नहीं चल रहा था कि तुम क्या कर रही हो। आइंदा ऐसी गलती भूल के भी मत करना। मेरी जिंदगी है ये, क्या मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला कर सकूं? मैं तो तुम्हें कह रही थी कि दावर से शादी मत करो, तुम नहीं मानी। अब की है तो ये सब तो होगा। खैर, अब तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ, मेरे कमरे में, मेरे बेड में। जब तक औलाद ना हो जाए यहीं रहोगी तुम। अगर आपने तो एक हफ्ते की बात की थी। देखो, जब तक मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन ना हो जाऊं, तुम अपने कमरे में नहीं जा सकती, मेरे पास रहोगी। अम्मी, हॉस्पिटल चलें, देर हो रही है। कैसे जाएं, तुम्हारे बाबा ही नहीं अब तक आए। टैक्सी में चलते हैं? नहीं नहीं टैक्सी में नहीं, मैं पैसे लग जाते हैं, टैक्सी में रहने दो। चलें, आप आराम करें, फिर मैं होके आती हूँ। रिदा इंतजार कर रही होगी ना। तुम कैसे जाओगी? मैं रिक्शे में या बस में, जो भी मिल जाए, जाना तो जरूरी है ना। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ, जरा कपड़े बदल लूँ। और तुम ऐसे ही जाओगी? कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं? हमें पहले महाब के घर जाना है, वहाँ ऐसे जाओगी? क्या कहेंगे सब, मुझे बदनाम कराने पे तुली हुई है। कोई ढंग का कपड़ा नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, शायद आप पहली बार गौर कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, लोगों को आदत है मुझे ऐसे देखने की, बस आप तैयार हो जाए। नहीं नहीं रहने दो, चलो मुझे दिखाओ अपनी अलमारी, देखो क्या कुछ पड़ा है, पहनो चल के, और कुछ ढंग की चीज। इसी लोग जरा जरा सी बात पे बातें बनाते हैं। चलो ला, ये कमरा है या कबाड़ी की दुकान है? और ये तो मैंने फेंक दी थी, तुम ले आई इसे यहाँ पर? वो मुझे चाहिए थी इसलिए रख ली। सब टूटा फूटा कचरा जमा करके रखा है तुमने। मुझे कहती कि मेज चाहिए तो मैं तुम्हें ला देती, नहीं ऐसे करती हूँ जैसे तुम्हारे साथ कोई सुतेलो वाला सुलूक हो रहा है यहाँ। सल्ला, पापा आई थी, यहाँ रही थी, दावर भी आया होगा, क्या सोचते होंगे वो लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं जरा कम आती हूँ इस कमरे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बड़ी बहनों से कुछ भी ना सीखो। खोल अलमारी, दिखाओ। अम्मी नहीं। हाँ, सारे कपड़े बाहर निकल आएंगे, मैं जानती हूँ तुम्हारे फूहड़ बने को, मगर फिर भी देखूंगी जरूर। हटो आगे से। ये चंद कमीजे, उल्टे सीधे दुपट्टे और अजीब सी शलवारें, कोई मुकम्मल जोड़ा नहीं तुम्हारे पास, बस यही कपड़े? मेरी बात सुनो, जो पैसे कपड़ों के लिए मिलते थे उसके कपड़े नहीं बनाती थी तुम? वो माहम और रिदा अपने कपड़े दे देती थी, उसी से काम चल जाता था। और तुम पैसों की किताबें ले लेती थी, है ना? बस आज से तुम रिदा के कमरे में रहोगी और तुम्हारे कपड़े मैं खुद बनाऊंगी। अम्मी, लेकिन जब रिदा हॉस्पिटल से आएगी, उसके साथ तो ईसा भी होंगे, वो लोग कहाँ रहेंगे? माहम के कमरे में रह लेंगे। अम्मी तो नाराज हो जाएगी, उसे एक बार पूछ तो ले। अरे माहम मेरी माँ है या मैं उसकी माँ हूँ?
ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। चलो पहले बहुत देर हो गई। सो जाएगी वो। तुम क्या चाहती हो? इन तीन रंग के कपड़ों में तुम्हें लेके जाऊं मैं? मेरी भी कोई इज्जत है, क्या कहेंगे सब लोग? चलो तुम महाम के कमरे में चलो, उसकी अलमारी में से जुड़ा देती हूँ तुम्हें। आओ जल्दी। हम क्या हुआ मेरा बच्चा, तबीयत को क्या हुआ? हाँ अरे क्या बात है, तो परेशानी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने मेरे कपड़े कैसे पहने? मैंने दिए थे। इसके पास अपने कपड़े नहीं है जो आपने मेरे कपड़े दे दिए? बेटा तुम्हारी तो खैर से शादी हो गई ना, तुम्हारे पास तो इतने कपड़े पुराने कपड़ों का तुम क्या करोगी? नहीं है मेरे पास कुछ भी, और अगर है भी तो मैं नवेरा को कुछ नहीं दूंगी। मैंने अम्मी को मना भी किया था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिए। अरे बेटा देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, इतना कुछ तो है तो क्या फिर क्या फर्क पड़ता है इससे? मेरी चीजें मेरी मर्जी, आप मुझसे पूछे बगैर कैसे दे सकती हैं? मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे उस घर से निकाल दिया है? अल्लाह ना करे। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कोई चीज यूज नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कि आपा क्यों कह रही थी कि आओगी तो बताऊंगी, तबीयत क्यों खराब है, क्या हुआ? ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे से जान छुड़ाने की कोशिश की है। क्या मेरी ऐसी तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती है बिल्कुल, मैं दावर से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं करती हूँ ना बात, सब ठीक हो जाएगा बच्चे। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा ड्राइवर है वो मुझे हॉस्पिटल जाना है रिदा को देखने, मुलाकात का वक्त खत्म ही होने वाला है। आप मुझे छोड़ के रिदा के पास जाएंगे? बेटा अब वो हॉस्पिटल में जाना तो पड़ेगा, तुम्हारे अब्बा भी सुबह से। उससे क्या होता है, रिदा से ज्यादा मेरी तबीयत खराब है। आपने जब से मेरी शादी की है आपने तो मुझे गैर समझ लिया है। अरे नहीं मेरा बच्चा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम रहने दे अम्मी, जाए आप रिदा के पास, किसी को मेरी परवाह नहीं है, जाए आप प्लीज जाए, छोड़ दे मुझे अकेला, किसी की जरूरत नहीं है। कितना प्यारा लग रहा है तुम पे नवेरा, बहुत अच्छा लग रहा है ना अम्मी? हाँ लेकिन मुझे माम से पूछ के देना चाहिए था। माम ने अब क्या करने, पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेगी वो। हाँ लेकिन गुस्सा कर रही थी वो ना, इसलिए कह रही हूँ। असूलन आपको इसे नए कपड़े लेकर देने चाहिए थे, कब तक हमारी उतरन पहनेगी? बनाती ही नहीं थी ये, मैं जो भी पैसे देती थी ये किताबों में खर्च कर देती थी। अम्मी आप पैसे सिर्फ माहम को देती थी और वो भी उसकी ज़रूरतों के लिए कम पड़ जाते थे, मैं किसी ना किसी तरह लड़ लड़ा के उससे ले लेती थी पैसे, ये तो उससे कुछ कहती ही नहीं थी। आपको इतना समझाती थी लेकिन आप ना सुनती थी ना समझती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक, कैसी हो? क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? एक खुशखबरी आंटी, हमारे लंदन के टिकट्स कंफर्म हो गए। अरे इतनी जल्दी सब हो भी गया? जी वो स्पेशल केस था ना इस वजह से। खैर इस बड़ी सी खुशी में छोटी साली के लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया। वेलकम। इसकी क्या जरूरत थी, क्या है ये? अम्मी नवेरा का तोहफा है, उसे देखने दे। देखो क्या है, फोन है। अरे वाह,
रोटी दूं आपको? ले लेती हूँ। पूरी रोटी खत्म करनी है आपने, थोड़ा और ले। तुम्हारे बाबा नहीं आए? नहीं, अभी तक नहीं आए। मैं फोन करके पूछूं? नहीं नहीं, रहने दो। हेलो जी, आप पहले ही बता देते, नवेरा इतनी देर से खाने पे आपका इंतजार कर रही है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। तुम्हारे बाबा नहीं आ रहे, तुम भी खाना ले लो, कह रहे हैं थके हुए हैं। चलें कोई बात नहीं, पहले आप खाना खा लें, मैं भी खा लूँगी। ऐसा करना कि बाबा के साथ बाजार जाके अच्छे अच्छे दो चार सूट ले आना अपने लिए। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नए कपड़ों की, मेरे पास बहुत सारे कपड़े। नवेरा मुसीबत। आपने नवेरा को मुसीबत कहा? तो और क्या कहूँ बेटा, ये है ही मुसीबत। अगर इस दुनिया में ना आती तो आज हमें ये सब मुसीबतें ना देखनी पड़ती। बेगम साहिबा, 2 महीने की हो गई ये बच्ची और इसका अब तक कोई नाम ही नहीं रखा। इस बच्ची की किसी को कोई जरूरत नहीं थी, और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो उसके लिए सोचने का भी दिल नहीं करता। लेकिन बेगम साहिबा, कोई ना कोई तो नाम रखना ही होगा ना। हाँ, इस बदनसीब की कोई तो पहचान होनी चाहिए। मेरी आजादी मेरी खुशियों और मेरे अरमानों की कातिल है, खुदा गारत करे उसे। उल्टे हाथ का एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। क्यों मारेंगी? सारी जिंदगी आप नवेरा के लिए यही सब कहती आई हैं। मैं कह रही हूँ तो बुरा लग रहा है आपको? आज वो ना होती ना तो मैं अकेली रह जाती। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू चुप है जुबां। हाँ हाँ, बस मैं आ गया 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? फिर शुरू हो गए। आज के बाद तुम रात को घर से नहीं जाओगे? पढ़ाई करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ बाहर। घर में पढ़ो। मामा, मामा। तुम्हारी माँ तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। आप तो घर छोड़कर चले गए थे, फिर वापस क्यों आए हैं? मेरी मर्जी, मेरा घर है, जब जी चाहेगा आऊंगा। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने दुनिया की हर नेमत तुम्हें देने की कोशिश की, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। डैड, मेरा मुस्तकबिल है ना, मैं बना लूंगा, आप मेरी फिक्र ना करें। देखो, मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे जरूरी बातें करनी है, मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। डैड, मैं आपके साथ बैठ के सारी बातें सुनूंगा, लेकिन अभी मेरा दोस्त बाहर वेट कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। आयाब, आयाब, देखो मैं आयाब, आयाब। क्या बात है, तुम सोई नहीं, जागती रही हो क्या? आप घर ही नहीं आया अभी तक। अब तक तो आ जाना चाहिए था। फोन नहीं उठा रहा क्या? और उसके किसी दोस्त का नंबर भी नहीं है मेरे पास। सुना है बेटियों की माओ की नींदें उड़ जाती हैं। आपने तो बेटा होकर तुम्हारी नींदें उड़ा दी। अच्छा छोड़े ना ये सब बातें, आप कुछ कीजिए ना, किसी को फोन कीजिए, उसे ढूंढे,
प्लीज कुछ करें। कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ जाऊं? किसी दोस्त के यहाँ सो गया होगा, कुछ खाकर थोड़ी देर आराम कर लो। ऐसे कैसे आराम करूं, जान अटकी रहती है जब तक वो घर नहीं आ जाता। ढूंढे ना। वो तुम्हें रोज अकेला छोड़ के जाता है ना, जवाब दो। हद है, बड़ी गलती हो गई। जिस रात उसने ये पहली बार हरकत की थी उसी रात दो कस के लगाती ना तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुमने तो बाप पर बेटे को फौकियत थी। आप भी तो यही करते हैं मेरे साथ, मुझे क्या बोल रहे हैं? जाइए ना, ढूंढिए उसको, कुछ तो करें। कहाँ ढूंढूं मैं उसे, कहाँ जाऊं? बच्चा है तो घर का रास्ता भूल गया होगा, अपनी मर्जी से गया है वो, अपनी मर्जी से ही आएगा। हेलो जी, कंसाइनमेंट तो पहुंच गई थी ना टाइम पर? जी कंसाइनमेंट तो पहुंच गई थी, और साथ साथ जो आपने स्पेशल पार्सल भेजा था वो भी मिल गया। पार्सल? मैंने कौन सा पार्सल भेजा? तशरीफ तो लाया आप मेरे पास, फिर मैं आपको बताता हूँ। कोई इमरजेंसी है? नहीं तो कल आ जाऊँ। इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, आप आए तो सही फौरन। जी अच्छा, अभी हाजिर होता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्लाइंट के पास जाना है बहुत जरूरी। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे, कुछ नहीं खाना मुझे, ले जाओ यहां से। सकीना जाओ जाकर इनका कमरा ठीक करो, बाद में आ जाना। और हाँ, जब ये नहाने जाएगी तो दरवाजे के बाहर खड़ी रहना तौलिया पकड़ाने के। जी। क्यों? क्यों खड़ी रहेगी ये बाहर? चौकीदारी करेगी मेरी? तुम्हारा ख्याल रखिए। वैसे मैंने अपने करियर में बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चलो खा लो कुछ। खाना कुछ, मुझे सिकनेस हो रही है, उल्टी कर दूंगी मैं। जानती हूँ इन दिनों में तबीयत मैली होती है, लेकिन ये फ्रूट है, इससे कुछ नहीं होगा। अरे आ गए तुम, अच्छा हुआ। ये कुछ खा नहीं रही, जरा इसे खिला देना। मुझे अस्पताल निकलना वरना मैं खुद बैठती हूँ। इसका ख्याल भी रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। तावर, प्लीज आप पप्पू को समझाएं कि वो मेरे साथ ऐसा मत करें। और जो तुम अपने साथ कर रही थी वो क्या किया है मैंने? आप भी पप्पू की बातों में आ गए ना? मैं किसी की बातों में नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जो सोच लेती हो वो करके रहती हो। मैंने मामी जान से कहा है वो यहाँ आ जाए, मेरी बात नहीं माननी तो कम से कम उनकी बात ही सुन लो। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई मेरे साथ, और ना ही मुझे इस तरह कैद करके रख सकते हैं आप लोग। पर सख्ती नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? तुम जानती हो जो हरकत तुम अपने साथ करने की कोशिश कर रही थी उसमें तुम्हारी जान को कितना खतरा था? आई डोंट केयर, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। Surprised. मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं, मुझे अभी ये झंझट नहीं चाहिए। मेरे ख्वाब। Stop it.
मैं आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं मैं, अगर दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। क्या बात है फहद साहब, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? आइए आइए डॉक्टर साहब, आपका स्पेशल पैकेज। चलो भाई उठो, हाँ रुनमाई कराओ भाई। अपने दो दोस्तों के साथ हमें लूटने आया था, ये तो हमें बाद में पता चला, ये हमारे उसी सप्लायर का बेटा है जिसने एक दिन पहले कंसाइनमेंट डिलीवर की थी। मैंने सोचा पुलिस को बुलाने से पहले आपको बुला लूं, अब बताइए क्या करूं इसके साथ? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है, गलत सोबत में पड़ गया है बस, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं आप? ऐसी फहश गालियां मैंने बड़े बड़े बदमाशों के मुंह से नहीं सुनी। और ये वही बेटा है ना जिसकी आप बड़ी तारीफें करते थे, मेरी बेटी को उठाने की धमकी दे रहा था। हाँ तो मेरी इज्जत उतारेगा तो यही करूंगा ना। अच्छा अभी तेरी इज्जत उतरवाता हूँ पूरे सबके सामने, बाहर लेके जाओ इनको, मारो सड़क पे, देखे लोग इनकी शक्लें, चोरों के बच्चे। अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। प्लीज मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लीज तार भाई आपके मुंह पे छोड़ रहा हूँ मैं, अगर इसने आइंदा ऐसा किया ना फिर मैं माफ नहीं करूंगा। चौकीदारी करने के लिए आए हैं आप? नहीं वो दावर ने फोन किया था और तुम वैसे भी कल से इतनी नाराज थी, मैंने सोचा चक्कर ही लगा लूं। कैसी हो? कैसी होंगी, मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है, मैंने सोच लिया मैं आपके साथ वापस जाऊंगी। नहीं 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 तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो बेटा खुदा ना करे अगर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो सारी जिंदगी मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अगर आपको पुप्पो के साथ उनके कमरे में रहना पड़ता ना तो फिर पूछती। बेटा वो डॉक्टर है, तुम भी अपनी नजरों के सामने रखना चाहती है, तुम अकलौती बहू होगी। बस अम्मी रहने दे, आप तो रहने ही दे। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। तुम्हें पता है कल हॉस्पिटल में ईसा ने रिदा को इतनी खूबसूरत रिंग पहनाई है, सॉलिटेयर लगा उसमें। रिदा को सॉलिटेयर? हाँ हाय वे तो बहुत दुआएं कर रही हूँ, अल्लाह मियां रिदा को लंबी जिंदगी दे, खुदा उसे हमेशा खुश रखे। ईसा वैसे बहुत अच्छा लड़का है, सबका इतना ख्याल रखता है, इतना बड़ा दिल है उसका, उसने नवेरा को भी नया फोन दे दिया। मैं यहाँ पुराना फोन इस्तेमाल कर रही हूँ और उसने नवेरा को नया फोन दिला दिया, आपने मना क्यों नहीं किया ईसा को? मैंने रोका था उसे, लेकिन उसने कहा कि छोटी साली के लिए छोटा सा गिफ्ट है बस। और बड़ी साली उसके लिए कुछ नहीं? वैसे तो बड़ा भाभी भाभी करता फिरता है, और भाभी याद नहीं आई उसे? नहीं वो तुम्हें भी ले देगा, ऐसा नहीं है वो। अरे रहने दे, अगर लेकर देना होता ना तो एक नहीं दो फोन लेता। बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है और वो साली के साथ।
वैसे ईसा का भी कोई कसूर नहीं है, साली माशाल्लाह है। कैसी बातें कर रही हो बेटा, बुरी बात है, पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हो गई हूँ? मैं? आप नवेरा को नहीं जानती क्या? और वैसे भी ईसा तो नवेरा से शादी करना चाहता था, पता नहीं रिदा के लिए कैसे हाँ कर दी। ये फोन आपके सामने दिया था उसने? हाँ। वाह वाह, आप भी कमाल है। और ये नवेरा कहाँ है? बाहर गई थी। कहाँ कहाँ बाहर गई है? बाजार गई थी, वो कपड़े लेने के लिए। हॉस्पिटल जाना होता है तो कोई ढंग का जोड़ा ही नहीं था उसके पास, तुमने भी तो मना कर दिया था ना देने से। ये आखिरी बार भी बाजार का बहाना करके ईसा से मिलने गई थी, आपने फिर अकेला भेज दिया। अरे वो तब प्रिदा को हॉस्पिटल लेकर गई। हाँ, लेकिन झूठ बोलना तो आ गया ना उसे। अब फिर किसी और के साथ पकड़ी जाएगी ना, फिर पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ज्यादा पता है, सब पता है। अरे पता है, तुम बैठो ना, ऐसे गुस्सा नहीं करते। मुझे चाय पिलाओ, मुझे मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में तो मेरे दर्द करती है सबने। अच्छा गुस्सा नहीं करते ना, देखो तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। चलो चलो मेरा बेटा। शॉपिंग पे टाइम लगता है लगता। हेलो, अगर आपको देर हो रही है तो मैं खुद चली जाऊं, असल में अम्मी इंतजार कर रही होंगी। मामी जान ने तुम्हें 5 बजे पैक करने को कहा था और मैं उस वक्त से यहीं मौजूद, अब तुम कह रही हो खुद चली जाओगी। तो मैं भी तो 5 बजे से यहीं पर खड़ी हुई हूँ। कहाँ? मैं बिल्कुल मेन गेट के सामने ही हूँ। मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैं भी मेन दरवाजे पे खड़ी हूँ। वही एंट्रेंस जो मेन है। अरे मैं भी तो मेन गेट पर ही हूँ। सुनो, यहाँ 2 एग्जिट तो नहीं है? हो सकता है आप किसी और दरवाजे पर हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ।
एक बात कहूं आपसे? कहो। आप उसकी जासूसी करते हैं, उसके आने जाने पर नजर रखी हुई आपने, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि ये जुल्म है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ हो या ना हो, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इस तरह तो आप लोग का रिश्ता कमजोर हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं माहम पे जुल्म कर सकता हूँ, जबकि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ? मोहब्बत करते हैं तो भरोसा करना भी सीख लें। तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये आप दोनों का जाती मामला है। सवाल उठाया है तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। मैं ये सब कुछ अपने और माहम के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कर रहा हूँ। Actually, she's expecting. लेकिन अल्लाह की इस नेमत से माहम को इनकार है। वो बच्चे से जान छुड़ाना चाहती है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कोई दूसरा रास्ता नजर आता है तुम्हें? I'm so sorry. मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं, तुम सॉरी कहने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे खुशी है ये जान के कि तुम अपनी बहन के लिए इतनी कंसर्न हो। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था आपसे मिलने को, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था मुलाकात का। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रिदा की शादी और ऑपरेशन की। बहुत शुक्रिया आपका। बस दुआ करें मेरी बच्ची खैर से घर आ जाए तो फिर बहुत बड़ी एक दावत करूंगी, सबको बुलाऊंगी। आपको दिखाऊं तस्वीर अपने दामादों की? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाएं। ये देखिए, ये बड़ा वाला है और ये छोटा। ये जी जी, ये इसे तो मैंने देखा है, रात काफी हो गई थी, नवेरा बाहर आके मिली है गेट पे इससे। कौन 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 सा रात में कौन आया था? नवेरा तो नहीं बताया। काफी दिन हो गए, रात को मैं गली से गुजर रही थी तो ये उसके साथ खड़ी थी। दिखाएं, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा मुझे? नहीं नहीं, यही था। पागल है नवेरा भी, अंदर आके बुला के उससे बातें करती। ये तो मैं थी जो चुपचाप चली गई, और कोई होता तो 10 इल्जाम लगा देता तुम्हारी बेटी पे। अरे भाई, दुनिया की जबान कौन बंद करे? ख्याल रखना चाहिए ना इन छोटी छोटी बातों का नवेरा को। मना क्यों नहीं किया ऐसा? मैंने रोका था उसे, लेकिन उसने कहा कि छोटी साली के लिए छोटा सा गिफ्ट है बस। और बड़ी साली, उसके लिए कुछ नहीं? वैसे तो बड़ा भाभी भाभी करता फिरता है, और भाभी याद नहीं आई उसे? नहीं, वो तुम्हें भी ले देगा, ऐसा नहीं है वो। अरे रहने दे, अगर लेकर देना होता ना तो एक नहीं दो फोन लेता। बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है और वो साली के साथ। वैसे ईसा का भी कोई कसूर नहीं है, साली माशाल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। शर्म शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं मैं तुम्हारा? मम्मी हुआ क्या है? अरे वो दोनों तुम्हारी बहनों के शौहर हैं, बहनों ये तुम्हारे, और तुम्हें कोई शर्म ही नहीं है? मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से मुझे पानी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। ईसा आधी रात को तुम्हें मिलने क्यों आया था? मोहल्ले वाले बताएंगे तुम्हारे का, तुम बताओ, खुद बताओ मुझे क्यों आया था वो? मुझे समझती है आपको ऐसी लगती हूँ मैं। माम ने भी कहा था, कहा था मुझे माम ने, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब मोहल्ले वाले बता रहे तेरे करतूत मुझे, ये शर्म बेहया। खुदा करे कि मुझे कल की सुबह नसीब ना हो, मर जाऊं अल्लाह करके मैं, कि तुझे घर से नहीं निकाल।
संभाल सकती मैं। एक मेरी बेटी बेड रेस्ट में, दूसरी अस्पताल में, तू ये गुल खिला रही है। निकल जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो, दफा हो जा मेरे सामने से। या अल्लाह। हेलो दावत, तुम ईसा को लेके अभी घर आओ। हाँ ठीक है, बस तुम आओ फिर बता जल्दी। कोई मुझको थोड़ी सी दे दे।